हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 फोर्थ सम। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट सम व्हिच इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 फिफ्थ सम। सो व्हाट इज द रिलेशन relation capital R in the set capital A of human beings in a town at a particular time given by, that means we have to given a set, okay, we have to given a set capital A in which the elements are human beings. So human beings मतलब जो हमारे जो मनुष्य है बराबर व्यक्ति है वो हमारे कौन से है set के elements है बराबर ना, elements में हमारे कौन से human beings है, okay, और उस पर डिपेंडिंग हमारे पास टोटल सो 5 रिलेशंस हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन में डिपेंड्स ऑन सेट कैपिटल ए, मतलब सेट हमारा कॉमन होगा, कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हमारा कॉमन होगा, उस पर डिपेंडिंग हमें 5 रिलेशंस इस पर डिफाइंड दिए जाएंगे बराबर। सो फर्स्ट रिलेशन यहां पे दिया है, ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हो गए, मतलब ए बी सी डी और ई। सो सबसे पहला वाला जो रिलेशन है वो है आर इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ओके, सो ये हमारा रिलेशन है। सो ये रिलेशन के लिए हम रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों रिलेशन हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आंसर में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन दिया गया है ना उसका यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। सो हियर द गिवन सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड the given relation capital R on capital A, that means कौन सा relation है हमारा R is equals to in a curly bracket x comma y where x and y work at the same प्लेस। क्लियर, गुड। चलो तो ये हमारा हो गया, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द प्लेस ऑफ वाई okay converted into x, that means the same x, the place of x and the place of y both are same, that means agar abhi hum assume karo ki aap koi jagah pe aap kaam kar rahe hai barabar na, work at same place, to aap matlab me and me barabar na, matlab I and myself matlab main aur main wahi jagah pe kaam karunga बराबर ना, मतलब हम लिख सकते हैं ना कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब x एंड x, x क्या है बराबर एक ही आदमी है ना, तो एक आदमी जो जहां पे काम कर रहा है बराबर वो आदमी वहां पर ही काम करेगा बराबर ना, वो जो भी आदमी होगा बराबर, वो जो भी ह्यूमन होगा ओके वो वहीं पे काम कर रहा होगा। फर्क इतना है कि x एंड x बराबर ना, जो x जहां पे काम कर रहा है वहीं पे वही x काम कर रहा है, मतलब रिलेशन टू आवर सेल्फ बराबर ना, रिलेशन विथ आवर सेल्फ मतलब जो भी हम है बराबर ना, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं कि मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहीं पे मैं काम कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहीं पे मैं ही काम कर रहा हूं बराबर ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल मतलब सभी के सभी एक्स, और किसके है मतलब बिलोंग्स टू कैपिटल ए के, क्या होगा यहाँ पे एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मीनिंग क्या होगा, सो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर
देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. ओके, सो सबसे पहला हमारा रिलेशन हो गया. अभी हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स की, दो ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी. मतलब फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए. पहली कंडीशन हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. ओके, एक्स और वाई क्या है, दोनों ह्यूमन बींग है. एक्स सपोज हम मगन सपोज कर लेते हैं और वाई को छगन सपोज कर लेते हैं. और मगन और छगन क्या कि एक जगह पे काम कर रहे हैं, बराबर ना, एक प्लेस पर. समझो ये एक प्लेस है, बराबर, ये एक प्लेस है. यहाँ पे छगन और मगन दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. ये छगन है और ये मगन है. इसका मतलब क्या है, तो मगन और छगन इसी जगह पे काम कर रहे हैं, बराबर ना. छगन और मगन एक जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब मगन और छगन भी उसी जगह पर काम कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एंड वाई एंड एक्स ऑब्वियसली वर्क एट द सेम प्लेस, बराबर ना. हमने क्या किया, सिर्फ ये जो ये दोनों जो छगन और मगन है ना, बराबर, उसको प्लेस हमने चेंज कर दिया, बराबर ना. ओके, जो हमारा मेन प्लेस है, बराबर ना, जहाँ पे वो दोनों काम कर रहे हैं. ओके, तो वहां पे ये प्लेस पर छगन है और ये प्लेस पर मगन है. तो मैंने क्या किया, मगन को यहाँ पे शिफ्ट किया, छगन को यहाँ पे. उसमें कोई फर्क पड़ेगा, प्लेस तो वही रहेगा ना. तो इसका मतलब क्या होगा, देयर फॉर वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयर फॉर आर इज सिमेट्रिक. और लास्ट फॉर ट्रांजिटिव, इसमें तीन तीन ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी. फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए. पहली दो कंडीशन सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड वाई कॉमा जेड विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर. चलो एक्स कॉमा वाई का मीनिंग क्या होगा, सो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस. चलो छगन मगन और नगन तीनों भाई, तीनों यार है, तीनों दोस्त है, बराबर. ये छगन है, ये मगन है और ये नगन है. पहले क्या बात किया, छगन और मगन एक ही जगह पे काम कर रहे हैं. मगन और नगन एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली छगन और नगन भी वहां पे ही काम कर रहे हैं, बराबर ना. ये एक प्लेस है. ओके, यहाँ पे ये छगन है, ये मगन है और ये नगन है. छगन और मगन यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगन और नगन यहाँ पे काम कर, इसका मतलब क्या है, छगन और मगन वहीं पे काम कर रहे हैं. प्लेस तो यही है, प्लेस हमारा सपोज ये पेज है, समझो ये प्लेस, ये पेज है ना, वो हमारा प्लेस है. और ये पेज पर कौन है, छगन मगन और नगन है, बराबर ना. समझ में आ गया, गुड. इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, देयरफॉर एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन के लिए हमने क्या किया, हमारा रिलेशन था आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया. ऑब्वियस है, छगन और छगन एक ही जगह पे काम कर रहा है, बराबर. एक्स हमारा छगन होगा तो छगन और छगन वहीं पे काम कर रहे हैं, बराबर. फिर हम सिमेट्री की बात करें, छगन और मगन वहां पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मगन और छगन भी वहीं पे काम कर रहे हैं. छगन और मगन वहां पे काम कर रहे हैं और मगन और नगन वहां पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, छगन और नगन भी वहीं पे काम कर रहे हैं. दैट्स इट. इसका मतलब क्या है, हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव. और हमें क्या चेक करना बोला था, यही बोला था ना. और अगर इनडायरेक्टली अगर इसमें क्वेश्चन में ऐड कर दूं, इज द गिवन रिलेशन इज अ इक्वेलेंस रिलेशन, यस, बिकॉज व्हाट इज एन इक्वेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो इज कॉल्ड एन इक्वेलेंस रिलेशन. ओके, डन. चलो तो हमारा जो सेट है, कौन सा सेट है, सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, उस पर डिफाइंड हुआ दूसरा रिलेशन बी इज इक्वल, बी
कैपिटल आर इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बराबर, तो एक्स और वाई एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, बराबर ना, वहां पे लिव कर रहे हैं। ओके, सो ये रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। सो आंसर में हियर द गिवन सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द गिवन रिलेशन कैपिटल आर ऑन कैपिटल ए दैट मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी। चलो, तो इस रिलेशन के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, सो फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकालिटी। इसका मतलब क्या है, एक्स मतलब सपोज छगन, छगन की बात करते हैं, तो छगन और छगन वहीं पे रह रहे हैं, बराबर ना, बराबर। लोकालिटी का मतलब कि जो भी वो जगह होगी, वो ऐसा समझो कि ये पेज एक जगह है, बराबर। तो यहाँ इस जगह पर छगन और छगन वहीं पे रह रहे हैं, बराबर ना। छगन मतलब वो छगन की बात कर रहे हैं, तो छगन इटसेल्फ, बराबर ना। जैसा कि मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, द रिलेशन विथ अवर सेल्फ, बराबर। तो छगन और छगन वहीं पे रह रहा है, बराबर ना, जो छगन वहां पे रह रहा है वही छगन वहीं पे ही रह रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, so therefore x comma x belongs to capital R, therefore R is reflexive. so अब हम बात करते हैं for symmetric, तो symmetric की बात करते हैं, so for all x comma y belongs to capital A, let x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मीनिंग क्या है, दैट इम्प्लाइज x एंड y लिव इन द सेम लोकालिटी। छगन और मगन एक ही जगह पे रह रहे हैं, बराबर ना। इसका मतलब क्या होगा, तो मगन और छगन भी वहीं पे रह रहे हैं, बराबर। सो दैट इम्प्लाइज y एंड x लिव इन द सेम लोकालिटी। इसका मतलब क्या होगा, so y comma x belongs to capital R, therefore R is symmetric. and finally for transitive, for all x y and z belongs to capital A, let x comma y belongs to capital R and y comma z which is also belongs to capital R. चलो दोनों का मीनिंग क्या होगा, so x and y live in the same locality and y and z live in the सेम लोकालिटी। चलो, छगन और मगन एक ही जगह पे रह रहे हैं, मगन और नगन भी एक ही जगह पे रह रहे हैं, इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा, छगन और नगन पे वहां पे ही रहेंगे। सो एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकालिटी, देयरफॉर इसका मतलब x and z belongs to capital R, therefore R is transitive.
तो मतलब हमारा जो दूसरा रिलेशन हमें दिया गया था क्वेश्चन में, बराबर ना, कौन सा था रिलेशन हमारा, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वेर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हमें चेक करना था। तो सबसे पहले हमने बात की रिफ्लेक्सिव की, तो ऑब्वियस है कि छगन और छगन एक ही वही जगह पे रह रहे हैं, बराबर ना। ओके सो इसका मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बराबर ना। फिर सिमेट्रिक की, छगन और मगन जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे मगन और छगन भी रहेंगे, बराबर ना। छगन और मगन यहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब ये छगन है और ये मगन है, दोनों यहाँ पे रह रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, तो ये छगन और ये मगन, मगन और छगन भी वहीं पे रहेंगे, बराबर ना। सिमिलरली छगन मगन और नगन की बात करते हैं, छगन और मगन यहाँ पे रह रहे हैं, मगन और नगन यहाँ पे रहे, इसका मतलब छगन और नगन वहीं पे रहेंगे, बराबर ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन स्मॉल बी, और इनडायरेक्टली इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज दिस रिलेशन सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। डन। सो द नेक्स्ट इज नंबर सी, कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, वेर एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। सो सबसे पहले हमें जो सेट दिया गया था, हियर द गिवन, द गिवन सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन beings and the given relation capital R on capital A. So capital R is equals to in a curly bracket x comma y, where x is exactly 7 centimeter taller then y. चलो इसके लिए सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, चलो सो रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x, वेर x बिलोंग्स टू कैपिटल A। हमें पता है कि हम खुद से, बराबर ना, वी आर डू नॉट टॉलर देन अवर सेल्फ, मतलब हम हमसे ही टॉलर नहीं हो सकते हैं और स्मॉलर भी नहीं हो सकते, हम हमारी जितनी हाइट होगी उतनी हमसे हाइट होगी, बराबर ना। मतलब यहाँ पे तो क्या होगा, सो एक्स इज नॉट एक्सैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x लिख सकते हैं या इटसेल्फ लिख सकते हैं, देन x, बराबर ना। x इज नॉट एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, मतलब हम खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकते, बराबर ना। सो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो नेक्स्ट वन, फॉर symmetric for all x comma y belongs to capital A, let x comma y belongs to capital R, that implies x is exactly 7 centimeter taller than y। मतलब क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब लंबा है, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या होगा, एग्जैक्टली स्मॉलर देन y, और ये तो हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, बराबर ना। रिवर्स कंडीशन भी हमें कितना हो चाहे, 7 सेंटीमीटर टॉलर ही होना चाहिए, तभी हमारा जो रिलेशन वो सेटिस्फाई हो सकता है, बट यहाँ पे हमारा जो रिलेशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देयरफॉर वाई कॉमा एक्स विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। ओके सो नाउ द लास्ट वन इज फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ऑल
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड वाई कॉमा जेड विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट इम्प्लाइज एक्स इज एक्सैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। चलो यहाँ पे क्या होगा, एक्स जो है बराबर ना छगन, इसको हम छगन ले लेते हैं, छगन क्या है, सो मगन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मगन नगन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो छगन है ना, छगन मगन से 7 सेंटीमीटर लंबा, मगन नगन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब जो छगन है ना इनडायरेक्टली जो नगन है ना उससे कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर, बराबर ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसका मतलब एक्स और जेड के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 7 + 7 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। सो एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर taller than z, therefore x comma z which is also does not belongs to capital R, therefore R is not transitive। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सो हमारा रिलेशन था R is equal to in a curly bracket x comma y where x is exactly 7 centimeter taller than y, बराबर, तो कोई भी होगा, आप होगा या मैं होगा या कोई भी, छगन होगा या मगन होगा या नगन, व्हाटएवर कोई भी हो, कोई भी ह्यूमन बींग हो, तो कोई भी ह्यूमन बींग खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं हो सकता, बराबर ना, तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो क्या होगा, फेल होगा, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सिमेट्री की बात करते हैं, दो पर्सन हम ले लेते, दो ह्यूमन बींग छगन और मगन हम ले लेते, सो छगन इज द 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब क्या है कि छगन है ना वो मगन से कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, तो मगन छगन से 7 सेंटीमीटर ऑब्वियसली छोटा ही होगा, बराबर ना, स्मॉलर होगा, सो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, हमारा रिलेशन वो फेल जाता है, दैट फॉर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल r इज नॉट सिमेट्रिक, दैट्स इट। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो तीन ह्यूमन बींग हम ले लेते हैं, छगन मगन नगन, छगन मगन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मगन नगन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, सो इनडायरेक्टली हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, छगन और मगन के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, मगन और नगन के बीच में भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली छगन और नगन के बीच में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, सो देयरफॉर एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो होप आई होप यू अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट रिलेशन इज कैपिटल आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, हियर the given set capital A of human beings and the given relation capital R on capital A, that's mean R is equals to in a curly bracket x comma y where x is a wife of y, सो इसके लिए हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, हम सबको पता है कि हम खुद के वाइफ नहीं हो सकते या खुद के हस्बैंड भी नहीं हो सकते, बराबर ना, सो यहां पे ये जो रिलेशन वो वाहियात हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ और एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर ना, एक्स छगन ले लेते तो छगन इज नॉट अ वाइफ ऑफ छगन, बराबर ना, छगन छगन का वाइफ नहीं है या छगन छगन का हस्बैंड भी नहीं है, बराबर, सो ये हमारा जो रिलेशन वाहियात हो जाएगा, सो एक्स कॉमा एक्स विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आता है फॉर
सिमेट्रिक, बराबर ना। सो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट इम्प्लाइज एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, सो दैट इम्प्लाइज वाई इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स, बराबर ना। एक्स क्या है तो वाई की वाइफ है, बराबर ना। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वाई एक्स का हस्बैंड ही होगा। सो यहाँ पे भी हमारा रिलेशन फेल जा रहा है, देयरफॉर वाई कॉमा एक्स विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट क्या होगा, वेरी गुड सिमेट्रिक, एक्सलेंट। और उसके बाद अभी यहाँ पे जो मजा आने वाला है ना स्टूडेंट्स, आप बहुत हंसेंगे। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। चलो अभी हम यह बात करते हैं, चलो सबसे पहले हमने सपोज किया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बराबर ना। ओके तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, बराबर ना। तो वाई यहाँ पे हस्बैंड है, ओके समझ में आ रहा है, वाई यहाँ पे क्या है, हस्बैंड है। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है ट्रांजिटिव की कंडीशन, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हम ये दोनों कंडीशन पर से एक्स कॉमा जेड को हम चेक करते हैं ना, बिलोंग्स टू है या नहीं वो। पर अभी हमारा रिलेशन क्या, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, बराबर। और हमें क्या मालूम है, मैंने आपको बताया था कि वाई हमारा सेम होना चाहिए, जो वाई यहाँ पे हम लेते हैं वही वाई यहाँ पे हमें लेना है। पर यहाँ पे वाई क्या है, हस्बैंड है, बराबर ना। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई मतलब इनडायरेक्टली वाई यहाँ पे हस्बैंड है, तो वही वाई यहाँ पे भी हस्बैंड ही होना चाहिए ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड मतलब यहाँ पे वाई क्या हो रहा है, वाइफ हो रहा है, बराबर ना। यहाँ पे हस्बैंड है और यहाँ पे वाइफ है, और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद अवर व्हाट इज अवर कंडीशन फॉर ट्रांजिटिविटी, द वैल्यू ऑफ वाई मस्ट बी सेम इन बोथ केसेस, बराबर ना। एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड में वाई कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाई वन है तो यहाँ पे वन ही होना चाहिए, टू है तो यहाँ पे टू होना चाहिए, थ्री है तो थ्री होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे वाइफ है तो यहाँ पे वाइफ होना चाहिए, यहाँ पे हस्बैंड है तो यहाँ पे भी हस्बैंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, बट क्या है, तो y कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, बराबर ना। क्योंकि पहला कंडीशन सपोज हमने कर ही लिया, बराबर ना, कि x कॉमा y बिलोंग्स टू आर मतलब x इज अ वाइफ ऑफ y, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई यहाँ पे हस्बैंड होना चाहिए, बराबर ना। बट यहाँ पे क्या हो गया, वाई वाइफ हो गया, जेंडर चेंज हो गया, ऐसा कैसे चलता है, नहीं चलता है ना। वाई यहाँ पे हस्बैंड है तो यहाँ पे भी वाई हस्बैंड ही होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई वाइफ हो गई है, क्योंकि वाई इज अ हस्बैंड ऑफ जेड, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, बराबर ना। मतलब जेड यहाँ पे हस्बैंड है और वाई वाइफ हो गई, और यहाँ पे वाई हस्बैंड है और यहाँ पे वाइफ, ये नहीं चलता, बराबर ना। और ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन बोला, बराबर, मतलब जेंडर चेंज वाला, बराबर, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई वी टेक एक्स कॉमा बिलोंग्स टू आर बट वाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बराबर ना। क्योंकि हमारे रिलेशन जो है, हमारा कैपिटल आर, उसमें ये तो है पर ये नहीं है, बराबर। जो वाई कॉमन हो सकता है, ऐसे हमारे पास दो पेयर नहीं है हमारे रिलेशन में। सो इसलिए यहाँ पे हमने बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखा, तो ऑब्वियसली एक्स कॉमा जेड ओ डज नॉट बिलोंग्स टू आर ही आएगा, कंपल्सरी। देन ओके, देन समझ में आ गया। सो हमारा रिलेशन था एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, उसके लिए हमें पता है कि एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, बराबर ना। तो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, सो वाई इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स आएगा, सो वहां पे भी नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में तो मैंने बताया कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, देन वाई इज यहाँ पे क्या होगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, यहाँ पे वाई हस्बैंड है और यहाँ पे वाई क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, बराबर ना। पर मैंने क्या बोला, तो वाई हमारा सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो इनडायरेक्टली एक्स कॉमा जेड विच इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
समझ में आ गया? ओके वेरी गुड। चलो अभी हमारा एक रिलेशन बाकी है, कौन सा वाला? ई वाला, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सो द लास्ट रिलेशन इज ई इज इक्वल्स टू ई में क्या, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वेर एक्स इज अ फादर ऑफ वाई। हियर द गिवन सेट कैपिटल ए ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द गिवन रिलेशन कैपिटल आर ऑन कैपिटल ए, आर इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, वेर एक्स इज फादर ऑफ वाई। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। सो फॉर ऑल एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऑब्वियसली कोई भी होगा, छगन हो, मगन हो, या वॉट एवर, कोई भी ह्यूमन बींग क्यों ना हो, वो इट सेल्फ फादर तो नहीं हो सकता, बराबर ना? ओके सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज नॉट एफ ए टी एच फादर ऑफ इट सेल्फ और एक्स, बराबर ना? सो एक्स कॉमा एक्स विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयर फॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो अभी हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट इंप्लाइज एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, सो दैट इंप्लाइज वाई इज अ सन ऑफ एक्स, बराबर ना? एक्स वाई का फादर है, इस इनडायरेक्टली क्या होगा, वाई यहाँ पे सन है, बराबर ना? सो वाई इज अ सन ऑफ एक्स, सो वाई कॉमा एक्स विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। एंड फॉर फाइनली फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दोनों का मतलब क्या होगा, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज अ फादर ऑफ जेड, सो दैट इंप्लाइज एक्स इज अ ग्रैंडफादर जेड, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देयरफॉर आर इज नॉट, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? और एक अगले रिलेशन में जो हमारा प्रीवियस रिलेशन था ना, वहाँ पे भी हमें थोड़ा यहाँ पे बिलोंग्स टू आर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, बराबर ना? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, सो देयरफॉर दैट इंप्लाइज X is not wife of Z. Therefore, X comma Z does not belong to capital R. Therefore, R is not transitive. बराबर ना? क्योंकि हमें यहाँ पे सपोज करना था, समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पे क्या करना था, सपोज करना था, इसलिए हमने दो कंडीशन सपोज कर ली कि X comma belongs to R and y, z belongs to R, x is a wife of y and y is a wife of z, that implies x is not wife of z, so x, z does not belong to R, R is not transitive, बराबर? और यहाँ पे भी हमने क्या फाइनल प्रूफ किया
कि x इज अ फादर ऑफ y एंड y इज अ फादर ऑफ z, दैट मीन्स x इज अ ग्रैंडफादर ऑफ z. समझ में आ रहा? सो x कॉमा z डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एंड r इज नॉट ट्रांजिटिव. सो हमारा रिलेशन था x इज अ फादर ऑफ y. तो वी ऑल नो दैट दैट वी आर नॉट फादर ऑफ आवर सेल्फ. सो वी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, x इज फादर ऑफ y, देन y इज अ सन ऑफ x. सो not symmetric, and similarly x is a father of y, y is a father of z, that means x is a grandfather of z. So r is not transitive also. क्या प्रूफ करना था? यही ना. चलो तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन वन था, 1.1 का क्वेश्चन वन, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया. क्योंकि क्वेश्चन वन में टोटल फाइव सम्स है जो, और फिफ्थ सम है ना, ओके, उसमें टोटल फाइव सम्स थे, ए बी सी डी और ई, और ये हमारा ई वाला सम था. तो सभी हमने कंप्लीट कर दिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई स्टॉप हियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तब तक के लिए आप ये सब रिवीजन एक बार करते रहना. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.